अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और लोगों से नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। ऐसे में लोगों के सीधे संपर्क में आने से वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई के जे मार्ग पुलिस स्टेशन के 26 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 40 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। यह पहला मामला है इतनी बड़ी तादाद से किसी एक ही पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में आज मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जे मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। मेरे साथियों, जे मार्ग पुलिस स्टेशन में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और मुझे ऐसा बताया गया कि पब्लिक में उसकी वजह से पैनिक का वातावरण है। मुझे विश्वास है कि पुलिस फोर्स में तो हमारा मोरल हाई है, मुंबई पुलिस ने इससे पहले बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, आप सभी को मालूम है, चाहे अंडरवर्ल्ड के विरुद्ध हमारी लड़ाई थी या 26/11 का हमला था, हर लड़ाई में मुंबई पुलिस जोर से लड़ी। पुलिस को कैजुअल्टी भी हुई लेकिन विजय पुलिस की हुई हर बार, हर लड़ाई में। और ऐसा ही एक ये युद्ध है जिसमें दुश्मन है वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ना तो हमें पड़ रहा है और मुंबई पुलिस लड़ रही है, जोर से लड़ रही है और निश्चित ही विजय भी पुलिस की होगी, हमारे जनता की होगी। और जो एक अनसीन एनिमी ने, ऐसे दुश्मन ने जो एक हमला किया था जो दिखता नहीं है, वो निश्चित ही उसका जल्दी। तो आपने सुना किस तरह कमिश्नर परमबीर सिंह ने पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। हम आपको बता दे, मुंबई में 233 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव है और 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।